गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि जो द केरला स्टोरी मूवी आई थी 2023 में, मूवी नहीं बल्कि एक तूफान आया था अगर सही सही बोला जाए तो। उसके सामने चाहे कोई भी मूवी रिलीज़ हुई हो, उस मूवी ने उसको उठाया और पटका और फेंक दिया, सिनेमाघरों से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस मूवी की जो स्टोरी थी वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर गई। और वहाँ पे जो हिंदू और इस्लामिक मसला था, और उसके कारण जो है कि उस मूवी की जो स्टोरी है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई थी। और वही सेम चीज़ है जो आज ये मूवी, यानी कि 21 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। आज इस मूवी का वैसे ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, अजमेर 92। तो ये मूवी सिनेमाघरों में 21 जुलाई को आएगी। और भाई, इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मूवी में और उस मूवी में तो मात्र 3 लड़कियों की जो स्टोरी थी, द केरला स्टोरी में वो दिखाई गई थी। इस मूवी में जो स्टोरी है वो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 250 लड़कियों के साथ जो रेप केस हुआ है उसकी स्टोरी है। तो यहाँ पे जो है कि 250 लड़कियों का दर्द छलकेगा, नज़र आएगा कि तो उनके साथ कैसे रेप हुआ है। तो वैसे स्टोरी इस मूवी की ये है कि इसमें लड़कियों के जो है कि थोड़े न्यूड फोटोज़ जो है कि ले लिए जाते हैं, और उन फोटोज़ को जो है कि वायरल किया जाता है। वैसे पहले तो न्यूज़ वगैरह तो थी नहीं, वैसे न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो पेपर में, मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो छाप दी गई, और ताकि जो है कि उन लड़कियों को मजबूर किया जा सके और रेप के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे पहले, और ब्लैकमेल करने के बाद जो है कि उनसे पैसे मांगते थे, और पैसे के साथ साथ जो है कि रेप, और उसके साथ साथ जो है कि लड़कियों को मजबूरन अपनी सुसाइड करनी पड़ती थी। तो वहाँ पे 250 लड़कियों जो है कि उसके ट्रैप में फंसी थी। अजमेर जो जो यानी कि दरगाह है, वहाँ पे जो है कि इस मूवी की स्टोरी है। और इस मूवी का जो सबसे खासा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है कि इस मूवी में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यानी कि 92 के टाइम पे, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को भी कहीं तक टारगेट किया जा रहा है। तो ये है इस मूवी की स्टोरी लाइन। अब देखते हैं गाइस क्या होता है बाद में। वैसे मैं सारी स्टोरी तो नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी स्टोरी बताना संभव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वैसे अगर इस मूवी के लिए आप एक्साइटेड थे तो आप बता सकते हैं कमेंट में, अगर आप जो है कि ये मूवी देखने चाहते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।